सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक यू। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो में एक नए फोन के साथ, जो कि आज खतरनाक फोन लेके आए। आज हमारे पास टेक्नो का स्पार्क 9। व्हाट इज टेक्नो स्पार्क 9? यस, जिसकी आपने स्क्रीन पे देखा कि टेक्नो का स्पार्क 9। तो आज इस वीडियो में हम टेक्नो की स्पार्क 9 की रिव्यू देखने वाले हैं। ये फोन तो मैं बताऊं कि टेक्नो की तरफ से फुल्ली टेक्नोलॉजी फोन है, और इस फोन की क्या क्या आपको मिलने वाला है, इस फोन के बैटरी से लेकर के प्रोसेसर तक, और इसकी स्क्रीन रिफ्रेश रेट से लेकर स्क्रीन की साइज तक सब चेक करने वाले हैं। तो चलिए बिना लेटिंग चालू करते हैं। हाँ, ये कर लो पहले। तो हमारे पास फर्स्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टेक्नो का एक स्मार्ट स्पार्क 9 फोन है, जो कि 11 GB की रैम और 128 GB की रोम के साथ आ रहा है। अभी लॉन्च नहीं हुआ है, बट आने वाला है। एंड मैं बात करूँ इसके प्रोसेसर की, सबसे पहले तो हम इसमें बात करें तो आपको ये फोन में MediaTek का G37 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है, जिसकी परफॉर्मेंस हाँ ठीक ठाक है, ठीक ठाक नहीं बढ़िया है। एंड मैं बात करूँ इसके स्क्रीन साइज की, तो इस फोन में आपको 6.6 इंचेस का एक 19Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि फुल्ली बड़ी बिग स्क्रीन है। टेक्नो हमेशा अपने यूजर्स को एक बड़ी और अच्छी स्क्रीन देता है, जो कि अच्छा एक्सपीरियंस फील कर सके। एंड मैं बात करूँ इसकी बैटरी की, इस फोन में आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी, जो कि आपको बिल्कुल भी इश्यू सुनने को नहीं मिलेगा कि इसमें आपकी बैटरी ड्रेन हो रही है कि ये हो रही है। एंड मैं बात करूँ इसमें एंड्रॉइड सिस्टम की, तो इस फोन में आपको एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि अपने न्यू वर्जन एक्सपीरियंस वर्जन के साथ आ रहा है। एंड इसके मैं बात करूँ कैमरा की, तो पीछे की तरफ आपको इसमें 3 कैमरे और पीछे ही आपको इसमें फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। एंड पीछे आपको एक फेस लाइट, जो कि छोटी सी साइज में देखने को मिलती है। हाँ, इसमें एक बात और बता दूंगा, इसमें आपको 13 MP का कैमरा एंड 2 MP के दो कैमरे देखने को मिलते हैं। एंड DTS पावर साउंड स्पीकर देखने को मिलता है। ओब्वियसली टेक्नो स्पेशल, इसमें आपको 2 स्पीकर देखने को मिलेगा, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे, जो कि बिंदास आवाज देगा आपको। एंड मैं बात करूं इसके फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरे का तो अभी मेगापिक्सल क्लियर नहीं है, बट हाँ इतना क्लियर है कि फ्रंट में भी आपको एक LED लाइट देखने को मिलेगी। अप्रोक्सीमेटली 8 MP तो होने वाला ही है, क्योंकि 8 MP से कम के कैमरे तो आपको किसी भी फोन में नहीं आते। और हाँ, स्पेशली बात करूं मैं इस फोन की प्राइस की, क्यों इस फोन में 8 MP का कैमरा होगा, क्यों इस फोन में इतने कम प्राइस में ये फोन, क्यों इस फोन, ये फोन में इतने कम कैमरास मेगापिक्सल दिए गए हैं, तो भाई इसकी प्राइस भी तो डिपेंड करती है। इस फोन की जब प्राइस की बात करूं, तो ये फोन केवल 9,499 रुपीज, यानी कि 9,499 रुपए, 9,000 रुपए का फोन है। और 9,000 के फोन में आपको 11 GB का रैम, 128 GB का रोम, 13 MP का कैमरा, फ्रंट में अलग से कैमरा, 3 कैमरे वाला फोन, 19Hz का डिस्प्ले। एंड मैं बात करूं इसके एंड्रॉइड 12 के साथ साथ MediaTek का G37 प्रोसेसर भी देखने को मिला है, तो 9,000 रुपए में भाई इससे आगे तो अब कोई नहीं जा सकता। तो इट्स ऑब्वियसली फोन, यदि आप एक इस फोन को किस लिए लेना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं और इस फोन को केवल स्टडी पर्पज से ले रहे हैं, या फिर स्टडी और कॉलिंग के पर्पज से, तो इट्स द बेस्ट फोन ऑफ द टेक्नो, बिकॉज इस प्राइस रेंज में हाँ अच्छा फोन है। आप इसे दो साल तो चला ही सकते हैं, 2 साल या 3 साल भी दौड़ेगा ये फोन, यदि आपको ये 2-3 कामों के लिए लेना है। और हाँ, इससे आप थोड़े बहुत हल्के फुल्के वजनदार काम भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, यदि ये बातें आपको सही और अच्छी आपकी काम की लगी हुई, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। खाब हूँ मैं।